हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज का मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया से। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस वीडियो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ यहाँ पर किस किस चीज़ की सुविधा मिलती है इस कॉलेज में। और इस कॉलेज में सबसे मेन बात है कि एडमिशन आप लोगों को कैसे मिल सकता है, और बहुत ही अच्छा कॉलेज है, इसमें एडमिशन कैसे पाएँ, और साथ ही साथ आप लोग पढ़ाई कैसे करेंगे और किस प्रकार से इसमें एडमिशन मिलेगा, तो की सारी जानकारी हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिसको आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हम बात करेंगे इस कॉलेज में किस प्रकार से हम लोग एडमिशन पा सकते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग प्रवेश करके यहाँ पर अच्छी सी पढ़ाई कर सकते हैं। खासकर कृषि छात्रों के लिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कृषि छात्र जो हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है ये, और यहाँ पर पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी होती है और कम फीस में भी आप लोगों को ये सुविधा मिल जाती है। तो जैसा कि मैं बात करूँ कि जनता महाविद्यालय अजीतमल औरैया, जो कि अजीतमल औरैया में औरैया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये अजीतमल तहसील पर नहीं बल्कि जो CSJMU है, CSJMU से संबंधित कॉलेज है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और इसमें प्रवेश आप लोगों की BSc कृषि भी होती है, MSc कृषि भी होती है, अन्य भी सब्जेक्ट हैं जो संचालित पाठ्यक्रम हैं, उनके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये जो हम लोग आप लोगों को बोर्ड दिखा रहे हैं तो ये प्रवेश है, प्रवेश 2024-25 के लिए जारी कर दिया गया है। इसमें हम बात करेंगे क्या, सबसे पहले बात की गई है प्रवेश BA BSc प्रथम सेमेस्टर में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रारंभ हो चुके हैं। BA BSc जो होती है साइंस साइड आर्ट साइड वालों के लिए, तो उसमें क्या है, प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश जो पाएंगे छात्र पहले आओ पहले पाओ वाले प्रारंभ हो चुकी के आधार पर मिलेंगे। मतलब पहले आते जाइए और प्रवेश पाते जाइए। तो अभी आप लोगों के फॉर्म चालू हो चुके हैं, अगर आप लोग चाहें तो फॉर्म आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड नंबर पर कि BSc कृषि एवं प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश मेरिट लिस्ट के आधार पर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि BSc कृषि करने के लिए अभी तक इस कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता था, इससे पहले भी इसमें मेरिट से होते थे, लेकिन अभी बीच में एक दो साल इसमें एंट्रेंस एग्जाम कराकर प्रवेश लिया गया था BSc कृषि वालों का। लेकिन इस बार फिर से अब ये चेंज करके बता दिया गया कि BSc कृषि प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश अब मेरिट के आधार पर होगा, ठीक है। तो ये सारी सूचनाएं हैं आप लोगों के लिए। अब इसमें मैं बात करूँ संचालित पाठ्यक्रम की, संचालित पाठ्यक्रम की अगर बात करूँ तो BSc कृषि भी है इसमें, और BSc आप लोग गणित जीव विज्ञान कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं। इसके बाद BA के जो सब्जेक्ट हैं हिंदी भूगोल समाजशास्त्र संस्कृत अंग्रेजी राजनीतिक विज्ञान और शिक्षा शास्त्र हैं। इसके बाद इसमें है BEd भी है हमारी, और MSc किस सब्जेक्ट से, MSc कृषि की बात करें तो MSc कृषि में कृषि अर्थशास्त्र और GPB आनुवंशिक एवं पादप प्रजनन से MSc कृषि आप लोग कर सकते हैं। अगर MSc साइंस साइड से बात करें तो MSc साइंस साइड की बात करेंगे तो भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान तथा MA अर्थशास्त्र भूगोल तथा अंग्रेजी, इन सभी विषयों से इसमें संचालित पाठ्यक्रम संचालित हैं, ठीक है। अगर सुविधाओं की बात करूँ तो सुविधाओं में इसमें आते हैं कि BEd परीक्षा केंद्र, BEd का जो परीक्षा केंद्र अनुदानित है तो इसका परीक्षा केंद्र मध्य महाविद्यालय में ही रहता है BEd का। छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल की भी सुविधा है, तथा इसके बाद NSS लाइब्रेरी तथा NCC की भी सुविधा है, रेंजर्स रोवर्स की सुविधा है, और छात्रवृत्ति शासन द्वारा भी प्रोवाइड इस कॉलेज में की जाती है, ठीक है। अगर बात करें संपर्क सूत्र की, संपर्क सूत्र यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, अगर आप लोगों को किसी प्रकार की एडमिशन से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। अगर इस कॉलेज में आप लोगों की फ़ीस जो रहती है बहुत ही कम रहती है, तो आप लोग अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन का फॉर्म आपका वही 300 या 500 रुपये का लगभग मिल जाएगा। ये मैं लगभग मैं बता रहा हूँ, आप लोग वहाँ जा कर के या कॉल करके नंबर इस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। कृषि छात्र इसमें अगर एडमिशन लेना चाहें तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर रहता है इसमें पढ़ने के लिए, और पढ़ाई भी कृषि छात्रों के लिए लगभग अच्छी की जाती है। तो इसमें अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो छात्र जल्दी से जल्दी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जैसा कि मैंने बताया हुआ है तो इसमें एडमिशन मिल जाएगा आप लोगों के लिए। और इसमें NCC नेशनल कैडेट कोर, NCC और NSS रेंजर्स रोवर्स आदि की भी सुविधा है। तो इस कॉलेज में ये सारे कोर्सेज भी आप लोगों को कराए जाते हैं, तो ये सारे कोर्सेज आप लोगों को बहुत ही कम फीस पर उपलब्ध हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है CSJMU से संबंधित। और जो आप लोगों के अन्य जो सरकारी कॉलेज हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं लगातार, तो उनको भी आप लोग लगातार देखते रहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा,
इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर लगातार मिलते रहते हैं। ये वीडियो अपने छोटे बड़े भाई बहनों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और वहाँ पर जानकारी भी मिलती रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी प्रकार की किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।